हाय गाइस, ये जॉन चाकी और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आईब्रो प्रेसिंग अपनी उतार दी है, अपना कान का टॉप्स उतार दिए, सिर्फ किसके लिए? अपने मुल्क के लिए। और बहुत सारे लोग बकवास कर रहे हैं, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं कि मुल्क से बाहर है कि मुल्क की जो वैल्यू होती है वो याद आती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये नहीं है कि मैं मुल्क से बाहर हूँ और मुझे मुल्क की वैल्यू जो है याद आ रही। वो रिक्शे वाला पहले सीन हुआ गाइस, अगर आप लोग एजुकेटेड हैं मैं आपके घर के अंदर अपना रिक्शा खड़ा कर देता हूँ। सही है, कोई रूल कोई बैन कुछ कुछ अथॉरिटीज होती हैं कि नहीं होती? सही है, कुछ नहीं आप लोगों के जिम्मे। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ मैं आपके घर में अपना। एक बंदे ने मुझे कमेंट किया, उस चुतिया ने मुझे कमेंट किया है कि भाई अगर आप रिश्के वाले होते तो आप क्या करते? चलो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैं रिश्का लाता तो मैं तुम्हारे घर में रिश्का उतार देता, ठीक है, तो तुम क्या करते? भाई को रूल रेगुलेशन होते हैं, बैठ के पढ़ाई भी कोई चीज़ होती है, एजुकेशन भी कोई चीज़ होती है। तुम्हें रूल लॉ ऑफ गवर्नमेंट नहीं पता है तो जाके पूछो कि आपको कहाँ पे गाड़ी पार करनी है और कहाँ पे नहीं पार करनी है। अगर नहीं पता है तो चलो मैं वो गरीब रिश्के वाला हूँ, मैं तुम्हारे घर में वो गाड़ी पार करता हूँ, मैं वो घर में रिश्का पार करता हूँ, तो तुम मुझे बताओ तुम क्या करोगे? उसके बाद मैं आता हूँ अभी जो टोपी ड्रामा मौलाना फजल रहमान कर रहा है। 2020 में इसने मुस्लिम लीग को कहा काफिर है, अभी इसको सीट नहीं मिली है तो ये चिल्ला रहा है, ये अपनी सीट के लिए थरथरा रहा है। गाइस शर्म करो, खुदा के लिए शर्म करो। नून लीग को सपोर्ट करोगे? 30 साल इस मुल्क को खाया उसने। और जो लोग बोलते हैं ना कि मैं पागल हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ और मुल्क के लिए परवाह करता हूँ, और गाइस मैंने कभी गाली नहीं दी है। यहाँ पे लाख लाख सेलिब्रिटीज़ हैं, यूट्यूबर्स हैं जो मुल्क के लिए गाली देते हैं, मैं मुल्क के लिए गाली नहीं देता हूँ, मैं सच्ची बात करता हूँ। जिसको मुझसे बहस करनी है ना मुझसे इल्म पे बहस करे। 30 साल हुकूमत की, 30 साल नून लीग ने, और ये कर्जा चढ़ाया हमारी एक एक अवाम 1,40,000 रुपए के कर्जे पे डूबी हुई है। और वो पीपी और भुट्टो जिंदा था, कहाँ भुट्टो? हम लोगों को चे बना रहे। सिंध का हाल आपने देख लिया, कूड़ा साफ नहीं होता आप लोगों से। उसके अलावा ना उसका पता चलता है बिलावल भुट्टो का ही है नशी है, वो कहाँ से जरदारी से भुट्टो में कन्वर्ट हो गया। गाइस खुदा का नाम मानो यार, ये हमारी पाकिस्तानी अवाम हम लोग को सपोर्ट नहीं करती है। इंडियंस फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं मुझे, या जबकि हमारी पाकिस्तानी अवाम अपनी अवाम कमेंट करते लाइक करते मरती है। मुझे आप लोगों के कमेंट और लाइक की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो नॉलेज है, जो मैं सोच अपने मुल्क के लिए रखता हूँ, जो मैं सोच अपने पाकिस्तान के लिए रखता हूँ, मैं गाली नहीं देना चाहता, रखो या ना रखो बाकी डैश डैश है, ठीक है। और मैं हैरान हूँ उन लोगों पे जो ये 2 रुपए के मुल्ला डीजल, और पूरी दुनिया को पता है यार ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। इमरान खान पूरी दुनिया में नंबर 6 पे आ गया है, पूरी दुनिया मानती है वो अजीम लीडर है, और आप लोग को शर्म नहीं आ रही है, आप लोग को सोच नहीं आ रही, आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वीडियो शेयर कर रहे हैं। गाइस इस बंदे की, मौलाना डीजल की जो भी वीडियो आए उसको रिपोर्ट करें, इंटरनेट पे शेयर ना करें। और यार गाइस किस बात का धरना? मैं अगर आपको वोटिंग लिस्ट में भी चला जाता हूँ, चलो मैं सपोज वोटिंग लिस्ट में भी चला जाता हूँ, तो हमारे मुल्क की आवाम जो है 24 करोड़ है, 24 करोड़ में से अगर 80 लाख आवाम बोलती है कि हमें ये प्राइम मिनिस्टर मंजूर नहीं है, तो यू कैन बी गो विद देम? नो मैन, यू कांट गो विद देम बिकॉज इट्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन यू हैव टू टेक मोर वोट्स एज कम्पेयर देन टू द गवर्नमेंट, राइट? यू हैव टू टेक एट लीस्ट मोर देन 50% वोट इफ यू वांट टू बी योर ओन गवर्नमेंट, एंड देन यू हैव टू टेक मोर PMs, अदरवाइज यू कांट मेक योर गवर्नमेंट लाइक। ऐसे तो कल को मैं पाकिस्तान में आ जाऊंगा, यहाँ पे बड़ी बड़ी तकरीरें करता हूँ, कल को मैं पाकिस्तान में आ जाऊंगा और मैं आके बोलूंगा चलो आओ मेरे साथ 1 लाख भी नौजवान चले, मैं रोड ब्लॉक कर दूंगा, तो क्या आप लोग क्या मुल्क का मुझे PM बना दोगे? और शर्म करो, कोई हया होती है, कोई कुछ नॉलेज होती है गाइस। आप लोग जो भी लोग, आप लोग को बस इस तरह की, मैं क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, कुछ भी वीडियोस बनाएंगे और आप लोग उनके साथ चले जाएंगे।
मतलब कि बैकग्राउंड पूछेंगे, इनका क्या बैकग्राउंड है, इनकी इनके वालिद साहब ने कहा था कि मैं पाकिस्तान बनाने के हक में नहीं हूँ। 1977 में इन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान बनने के हक में नहीं है, पाकिस्तान हम बनने के गुनाह में नहीं है। ओए शर्म करो, आज आप लोग उस मौलाना डीजल के साथ लगे हुए हो। गाइस ये जो फाइट है ना, ये यूथ और नॉर्मल मुस्लिम की नहीं है, ये फाइट हम सब लोगों की है। ये फाइट हम सब लोगों की जो इल्म रखते हैं, यहाँ पे फाइट कर रहे हैं हम लोग जो एडुकेटेड है और जो नॉन एडुकेटेड है, जिन्हें सिर्फ ये पता है कि उल्मा की इज्जत करो। भाई मैं भी उल्मा की इज्जत करता हूँ, आप भी उल्मा की इज्जत करते हो। उल्मा की इज्जत करते हुए मैंने एयर पेर्सिंग उतार दिया, मैंने आईब्रो पेर्सिंग उतार दिया, ठीक, मैंने आईब्रो पेर्सिंग उतार दिया, एयर पेर्सिंग उतार दिया। मगर गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे हुलिये पे सवाल कर रहे थे, मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, मैंने अपना लुक चेंज कर दिया, मैंने बाल ब्लैक करवा दिए, बिकॉज आई लव माई कंट्री। और तुम लोग अपने लफ्ज मुल्क से प्यार करो, चीज़ें महंगी हो रही हैं तो अवॉइड, अंडरस्टैंड करो भाई, ताकि मुल्क पे किराया ना बढ़े, ताकि मुल्क पे चीज़ें ना बढ़े। बाकी अगर आप लोग स्टिल ये जाली मुल्ला को सपोर्ट करते हो, नवाज शरीफ जरदारी को सपोर्ट करते हो, इंशाल्लाह एक दिन देखोगे आप लोग रोगे। हम लोग तो इस मुल्क से बाहर हैं, मगर आप लोग रोगे और आप लोग कहोगे इन लोगों ने हमें लूट दिया। ये जो 140,000 का एक एक आदमी मकरूज है ना, ये इन लोगों की वजह से। बाकी वीडियो शेयर ना करो, मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मुझे आप लोगों के शेयर की ज़रूरत है। समझ आई, जो मैं हूँ ना अपने बलबूते पे हूँ और अपनी कमाई से हूँ, तो मेरे घंटे को भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई लव माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान। खली वाली, टेक केयर, चचा।